हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच सेबी कर रही है। सेबी ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी है। हालांकि अडानी मामले की जांच सेबी के अलावा ईडी ने भी की है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अडानी मामले की जांच इस पहलू से की है कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च की आड़ में कुछ कंपनियों या इंडिविजुअल्स ने गलत तरह से फायदा उठाकर पैसे बनाए हैं। अब जो रिपोर्ट्स आ रही है उनसे पता चल रहा है कि ईडी की जांच में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं और इन खुलासों में साफ हो रहा है कि अडानी मामले में एक बड़ा खेल हुआ है। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ कंपनियों को पहले से पता था कि अडानी ग्रुप पर एक बड़ी रिपोर्ट आने वाली है जिससे अडानी के शेयरों में तेज गिरावट आएगी। इसके चलते इन कंपनियों ने अडानी के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस ली और जब शेयरों में गिरावट आई तो इन्होंने मोटी कमाई की। खबरों के मुताबिक ईडी को अपनी जांच में एक भारतीय निजी बैंक और 15 दूसरी इकाइयों के बारे में पता चला है जिन्होंने अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग की थी। खबरों के मुताबिक ईडी ने इन 16 इकाइयों से जुड़ी जानकारी को सेबी के साथ साझा किया है। इसके साथ ही इन कंपनियों के लिए अब मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि अब सेबी इनके खिलाफ शेयरों में जोड़ तोड़ करने या गलत तरीके से शेयरों की खरीद फरोख्त के जरिए पैसा कमाने की गतिविधियों के आरोप में जांच शुरू कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अगर सेबी इस मामले में जांच शुरू करता है और शिकायत दर्ज करता है तो इसके बाद ईडी भी इन इकाइयों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कानूनों के तहत अपनी जांच शुरू कर सकती है। खबरों के मुताबिक ईडी को कुछ भारतीय और विदेशी इकाइयों के हिंडनबर्ग रिपोर्ट से रिलेटेड शेयर बाजार में संदेहास्पद गतिविधियों में शामिल होने की पुख्ता जानकारी मिली है। इनमें से कुछ नवंबर 2022 से इस तरह की गतिविधियों में शामिल बताई जाती है। टीओआई की खबर के मुताबिक कुछ एफपीआईज ने हिंडनबर्ग की अडानी पर रिपोर्ट आने से 2 से 3 दिन पहले अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस ली। इनकी जांच अभी चल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनकी वास्तविक ओनरशिप किनके हाथ में है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि इनमें से ज्यादातर इकाइयों ने इससे पहले कभी भी अडानी शेयरों में लेन देन नहीं किया था और कुछ तो ट्रेडिंग भी पहली बार कर रही थी। इसी साल 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की थी। इनमें अडानी ग्रुप पर शेयरों में जोड़ तोड़ करने, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स हेवन ठिकानों का इस्तेमाल, पैसों को इधर से उधर करने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया था, लेकिन इस रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को तगड़ा नुकसान हुआ और ग्रुप का मार्केट कैप करीब 19 लाख करोड़ रुपए से घटकर 10 लाख करोड़ रुपए के नीचे चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है। सेबी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि उसने 24 बिंदुओं की जांच की है जिनमें से 22 बिंदुओं पर जांच पूरी हो गई है जबकि 2 बिंदुओं पर अभी जांच पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट में सेबी की रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा कि अडानी ग्रुप ने क्या वाकई गड़बड़िया की और क्या कुछ इकाइयों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले ही अडानी ग्रुप में कमाई की जुगाड़ कर ली थी